हेलो एवरीवन, आजकल क्लासे तुम्हारे अवश्य वेलकाम जानाब। तार आगे आमी तुम्हारे काछ थेके माप चेये निब जे एकटू ए भिडियोर मध्य नॉइज होते पारे। केन बोलो तो कारण आमी ऑन ड्यूटी रही मध्य थेके तुम्हारे आमी ए क्लासटा प्रेजेंट करछि, एई कारणे जे समय तुम्हारे खूब कम रही है। ठीक है, तो चलो आमरा देखे नेब आजकल क्लासेर प्रिपोजिशनेर सेकेंड क्लास एबं ए क्लासटा आजके लास्ट क्लास होबे। ओके, तो ये दे आर डिफारेंट डैश आस, तो ये तुम्हारे वार्ड रही है देखो डिफारेंट। तो डिफारेंटर मध्य तो अवश्य डिफारेंटर मध्य पर वार्ड व्यवहार करब से हे फ्रम। डिफारेंटर मध्य सब समय फ्रम प्रिपोजिशन व्यवहार करब, ये भलोक फलो करब। अच्छा, नेक्स्ट हमें देखे नेब, नेक्स्ट रही है डिफिसियंट डैश एनार्जी। तो तुम्हारे ये वार्ड रही है डिफिसियंटर पर एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन से ऑप्शन डी, अर्थात अवश्य हमें डिफिसियंटर पर इन प्रिपोजिशन व्यवहार एखे करब, डिफिसियंट इन एनार्जी। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमें चले जाब नम्बर थ्री क्वेश्चन की रही है देखे नेब। अवश्य देखो थ्री एखे कोश्चने बला हे द प्रिंसिपाल गेव इम्फैसिस डैश हिज ओपिनियन। एखे वार्ड रही है देखो इम्फैसिस, एर पर एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन हिसाब से इम्फैसिसर पर अवश्य तुम्हारे व्यवहार करबे अवश्य ए, अर्थात अन अन प्रिपोजिशन व्यवहार करबे। अच्छा एबारे आमरा फोरे चले जाब, देखो देयर इज नो स्केप डैश डेट। तो ये स्केप रही है, स्केपर पर प्रिपोजिशन अवश्य जो व्यवहार है से हे फ्रम, स्केपर पर अवश्य तुम्हारा फ्रम प्रिपोजिशन व्यवहार करबे। क्लियर हो गया? एगुलो देखो हमें बार बार बोलछी खुबी गुरुत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो एबारे आमरा परवर्ती पोश्चेने चले जाब। परवर्ती प्रश्न रही है नम्बर फाइव, हार्ड वार्क इज इसेंसियल डैश अचिवमेंट। तो इसेंसियल रही है, इसेंसियल पर प्रिपोजिशन व्यवहार करब, तुम्हारा चेष्टा करो जो प्रत्येक उत्तर दवार। ओके, इसेंसियल पर अवश्य हमें टू प्रिपोजिशन एखे व्यवहार कर देव। ठीक है, नेक्स्ट हमें चले जाब कोश्चन नम्बर सिक्स, एखे सिक्स कि बला हे देखे नाओ, डोंट एक्सपोज एक्सपोज इट द सान। तो ये वार्ड रही है देखो एक्सपोज, एक्सपोजर पर प्रिपोजिशन अवश्य हमें जो व्यवहार करते हैं से ऑप्शन सी, अर्थात एक्सपोजर पर अवश्य हमें टू प्रिपोजिशन व्यवहार कर देव। नेक्स्ट रही है देखो मुर्शिदाबाद इज फेमस डैश बीड़ी। तो ये वार्ड रही है देखो फेमस, फेमासर पर प्रिपोजिशन व्यवहार करब से हे अवश्य ऑप्शन ए, अर्थात फर प्रिपोजिशन व्यवहार करब। क्लियर हो गया? अच्छा नेक्स्ट हमें चले जाब एट नम्बर कोश्चने। चलो एट नम्बर कोश्चने बला हे द डग इज फेथफुल डैश इट्स मास्टर। तो ये वार्ड रही है देखो फेथफुल, फेथफुलर पर प्रिपोजिशन जो व्यवहार करब से हे ऑप्शन डी, अर्थात अवश्य फेथफुलर पर टू प्रिपोजिशन व्यवहार करब। नेक्स्ट हमें देखे नेब परवर्ती प्रश्न बला हे यू शुड बी ग्रेटफुल डैश हिम। तो ये वार्ड रही है ग्रेटफुलर पर प्रिपोजिशन व्यवहार है से हे ऑप्शन सी, अर्थात अवश्य तुम्हारा टू प्रिपोजिशन व्यवहार करो, तुम्हारा प्रत्येके चेष्टा करो सठिक उत्तर दाओ। ठीक है, डोंट इनडल्ज डैश वाइन। तो ये वार्ड रही है इनडल्ज, इनडल्जर पर अवश्य तुम्हारा व्यवहार कर इन, इनडल्जर पर सब समय तुम्हारा इन प्रिपोजिशन व्यवहार करो, यो भूलो ना। ओके, अच्छा नेक्स्ट रही है द बॉय इज इनोसेंट डैश द चार्ज। इनोसेंट, इनोसेंटर पर प्रिपोजिशन होच्छे देखे नाओ, ऑप्शन एखे सठिक हो जाए ऑप्शन सी, अर्थात इनोसेंटर पर अवश्य तुम्हारा अफ प्रिपोजिशन व्यवहार कर देवे। परवर्ती हमें चले जाब, दिस इज नॉट इनवॉल्व, इनवॉल्व रही है द पार्टी, इनवॉल्वर पर अवश्य तुम्हारा व्यवहार करो ऑप्शन बी। आशा करी अन्सार सबाई पार्छ और प्रत्येक अन्सार तुम्हारा देवार चेषा कर, जेहतु समय तुम्हारे खूब कम रही है परीक्षार क्षेत्र। ओके, अच्छा हार सकसेस हेज ग्रेट इनफ्लुएंस डैश माई प्रेजेंट एक्टिविटीज। एखे वार्ड रही है देखो इनफ्लुएंस, इनफ्लुएंसर पर प्रिपोजिशन जो व्यवहार हमें करते हैं से हे ऑप्शन सी, अर्थात अवश्य तुम्हारा अन प्रिपोजिशन व्यवहार करो। कोश्चन नम्बर फोर्टिने चले जाब, फोर्टिने बला हो द फादर वज कैंड डैश द पुअर। ठीक है, तो अवश्य एखे कैंट रही है, कैंटर पर प्रिपोजिशन देखो जो कि व्यवहार एखे है, अवश्य हमें कैंटर पर अवश्य ऑप्शन सी व्यवहार करब, अर्थात एखे टू प्रिपोजिशन अवश्य व्यवहार करब। परवर्ती रही है आई लिव डैश मुर्शिदाबाद, लिवर पर रही है, लिवर पर प्रिपोजिशन एखे है से हे ऑप्शन बी, अर्थात अवश्य हमें इन प्रिपोजिशन व्यवहार करब। नेक्स्ट हमें देखे नेब, हि शोज मोर एप्टीट्यूड डैश लैंगुएज। तुम्हारा प्रत्येके जानो एप्टीट्यूडर पर प्रिपोजिशन व्यवहार करते हैं से हे ऑप्शन बी, अवश्य हमें फर प्रिपोजिशन व्यवहार कर नेब। परवर्ती हमें चले जाब, हि वज मैरिड डैश सुलताना। तो ये वार्ड रही है देखो मैरिड, मैरिड थकले अवश्य हमें व्यवहार करब, 17 नम्बर कोश्चन अवश्य हमें डी व्यवहार करब, किंतु अनेक समय मैरिडर पर उइथ व्यवहार है और क्या व्यवहार है उइथ से परवर्ती आलोचना कर तुम्हारे बुझे देव। परवर्ती रही है इंडस्ट्री इज नेसेसारि डैश सकसेस।
तो नेसेसारि रही नेसेसारि पर अवश्य व्यवहार करब कि प्रिपोजिशन व्यवहार करब देखे ना अवश्य एखे बी व्यवहार करब अर्थात फर व्यवहार करब देखो नेसेसारि पर जमन तुम्हारे फर व्यवहार हो तेम तुम्हारे टू व्यवहार हो किंतु कौन व्यवहार हो से अवश्य हमें देव ओके अच्छा परवर्ती रही है देखो द प्रिंसिपाल हेज अपोस्ट एखे वार्ड रही है अपोस्ट अपोस्टर पर प्रिपोजिशन जो व्यवहार करब से अवश्य तुम्हारा प्रत्येके जदिव जो हमें बार बार विभिन्न मक टेस्टे आलोचना तुम्हारे साथ ही ओके तो अवश्य अपोजिट पर तुम्हारा आशा करी सठिकता व्यवहार करो अवश्य एखे अपशन डी हो जाए सठिक अन्सार परवर्ती देखे नब 20 नम्बर कोश्चिने सी प्रिफार्स कफि डैश टी तेल एखे वार्ड रही है देखो प्रिफार प्रिफारे पर अवश्य प्रिपोजिशन व्यवहार करब अपशन ए अर्थात अवश्य टू प्रिपोजिशन व्यवहार करब परवर्ती देखे नब आई प्रिफारेंस डैश इंग्लिश नोवेल्स एखे प्रिफारेंस रही है प्रिफारेंसर पर सब समय जो व्यवहार है से अपशन ए अर्थात अवश्य टू प्रिपोजिशन व्यवहार करब परवर्ती रही है उई हाव नो रिगार्ड दिस ओल्ड मैन रिगार्ड रही है रिगार्डर पर एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन जो है से अपशन बी अर्थात अवश्य फर प्रिपोजिशन व्यवहार करब रिगार्डर परवर्ती देखे नेब योर स्पीच वाज रिलेवेंट डैश द्य कन्सार्न एखे देखो कि रही है रिलेवेंट रही है तेल रिलेवेंटर पर प्रिपोजिशन अवश्य जो व्यवहार करते हैं से अपशन सी अर्थात अवश्य रिलेवेंटर पर टू प्रिपोजिशन व्यवहार कर देव परवर्ती देखे नेब परवर्ती क्यों रही है भलोक देखो हि इज रिमार्केबल डैश हिज ऑरिटरि ठीक है तेल एखे वार्ड रही है देखो रिमार्केबल एर पर प्रिपोजिशन जो व्यवहार है से अपशन ए अर्थात अवश्य फर प्रिपोजिशन व्यवहार करब परवर्ती देखे नेब रीता हैज ग्रेट रेसपेक्ट रेसपेक्टर पर प्रिपोजिशन अवश्य जो है रेसपेक्ट डैश मी रेसपेक्टर पर प्रिपोजिशन जो व्यवहार करते हैं से अवश्य अपशन ए अर्थात फर प्रिपोजिशन व्यवहार करब रेसपेक्टर पर ओके अच्छा नेक्स्ट हमें देखे नेब नेक्स्ट एखे कि बला हे देखे ना उई ऑल शुड बी रेसपेक्टफुल डैश आवर टीचार्स एखे वार्ड रही है रेसपेक्टफुल एवे रेसपेक्टेड फुल फर अवश्य जो प्रिपोजिशन व्यवहार है से अपशन सी अर्थात अवश्य टू प्रिपोजिशन व्यवहार करब परवर्ती प्रश्न रही है आई वाज सार्चिंग डैश दिज स्कोप्स एखे वार्ड रही है सार्चिंग सार्चिंग पर अवश्य प्रिपोजिशन अपशन सी अर्थात अवश्य फर प्रिपोजिशन व्यवहार हमें अवश्य करते पारी ओके अच्छा नेक्स्ट हमें देखे नेब कोश्चन नम्बर 28 कि बोला देखे नाओ देखो एट लास्ट द प्रोटेस्टर सबमिटेड डैश द प्रेसिडेंट तो ये वार्ड रही है देखो सबमिटेड सबमिटेड पर अवश्य प्रिपोजिशन जो है जो व्यवहार करते हैं से अपशन ए अर्थात अवश्य टू प्रिपोजिशन व्यवहार करब परवर्ती चले जाब 29 नम्बर कोश्चिने दिस पेन्स आर नॉट सफिसियंट ठीक है वार्ड रही है देखो सफिसियंट डैश आस सफिसियंटर पर अवश्य प्रिपोजिशन जो है से अवश्य अपशन बी अर्थात अवश्य फर प्रिपोजिशन व्यवहार करब नेक्स्ट एखे बला हे द बॉय सीम्स टू बी एफ्रेड द स्नेक्स एफ्रेड डैश स्नेक्स तो ये एफ्रेड रही है एफ्रेडर पर प्रिपोजिशन प्रत्येके जानी जो निसंदेह अपशन बी हमें व्यवहार करब ठीक है तो देखो आजकल क्लसटी तुम्हारे अनेक हमें ड्यूटी चलाकालीन क्लसटा प्रेजेंट कर लम तो एक नएज तुम्हारे भिडियोर मध्य होते पारे, तो अवश्य नएजर जो हमको अवश्य माफ करबे आज के लास्ट क्लास हमें दिलाम प्रिपोजिशन ऊपर एरपर हमें किन्तु फिलिंग द ब्लैंक अवश्य आलोचना करब क्लास भलो लगले अवश्य लाइक करबे थैंक यू।